प्रेरित पौलुस की तिमोथियुस के नाम पहली पत्री अध्याय 6 वचन 17 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दें कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है कि इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और चंचल धन पर आशा न रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम दुनिया में रहने वाले लोग कितने सारे बातों के ऊपर अपना भरोसा रखते हैं, कितने सारे चीज़ों के ऊपर और कितने सारे लोगों के ऊपर भी अपना विश्वास रखते हैं, ये सोच कर कि इससे हमें लाभ हो जाएगा, इससे हमारी मदद हो जाएगी, ये बातें हमारे फायदे के लिए है। हालेलुया, हालेलुया। और ये प्रवृत्ति दिन ही दिन दुनिया में बढ़ते जा रही है और ज़्यादातर उन लोगों के बीच में है जिनके पास बहुत पैसा है या जायदाद है, और ऐसे भी लोग जिन्होंने दुनिया की डिग्री प्राप्त की है, बड़ी बड़ी शिक्षाएं उपाधि प्राप्त की है, उनके पास भी यही एक अहंकार होता है और ऐसी एक भावना होती है कि हमारे पास जो भी है उसके ऊपर हम बिल्कुल पूरी तरह से निर्भर हो सकते हैं, हमें परमेश्वर की कोई ज़रूरत नहीं है। हालेलुया। दुनिया के कई लोग बस अपने मुँह से बोलते हैं कि हमें परमेश्वर की ज़रूरत है, पर सच्चाई में उनका जीवन ऐसा होता है कि उनका पैसा, उनका सोना चांदी, उनकी डिग्री उनके लिए काफ़ी है, ऐसा उनको लगता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो, अहंकारी मत बन जाओ, अभिमानी मत बन जाओ। चंचल धन यानी जो आज आपके पास है बाद में शायद आपके पास रहेगा नहीं, या उसका आपको कोई लाभ नहीं होगा, उसके ऊपर आशा मत रखो, भरोसा मत रखो, पर भरोसा उस महान परमेश्वर के ऊपर रखो जो हमारे सुख के लिए हमें सब कुछ बहुतायत से देता है। हालेलुया। हमारे सुख के लिए हमें सब कुछ बहुतायत से देने वाला सिर्फ परमेश्वर है, और परमेश्वर ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब जून का महीना नज़दीक आता है और महीना शुरू हो जाता है, एक सप्ताह बीत जाता है, दूसरा सप्ताह लग जाता है, हम आसमान की ओर देखते हैं बारिश कब आएगा। शहर के लोग इसलिए देखते हैं कि गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, और देहात के लोग इसलिए देखते हैं कि वे किसान हैं तो उनको खेती के लिए पानी की ज़रूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पानी देगा कौन? हम दिन में एक बार नहीं 100 बार आसमान के ऊपर देखेंगे और बोलेंगे शायद कल से बारिश शुरू हो जाएगा, शायद एक सप्ताह के बाद बारिश शुरू हो जाएगा। हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, देने वाला कौन है? जब तक परमेश्वर नहीं देगा तो क्या हमें मिल सकता है? हर साल परमेश्वर आसमान से बारिश भेजता है, इसीलिए तो खेतों में अनाज उगता है
और खेतों में अनाज उगता है, इसलिए तो हम सब भरपेट खा सकते हैं और जिंदा रह सकते हैं। वचन कहता है परमेश्वर पर भरोसा रखो, जो हमारे सुख के लिए हमें सब कुछ बहुतायत से देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप कोई भी नौकरी कर रहे हैं या कोई भी काम धंधा कर रहे हैं, आपको बड़ी तनख्वाह है या आपका धंधा इतना बड़ा है कि बहुत पैसा आपके हाथ में आता है, अभिमानी मत बनो, अहंकारी मत बनो। ये नौकरी या ये धंधा परमेश्वर ने आपको दिया है और यदि वो चाहे तो आपसे छीन कर वापस ले सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पास खुद का क्या है? वचन कहता है परमेश्वर हमें सब कुछ बहुतायत से देता है, वो देता है। यदि उसने नहीं दिया तो हमें कुछ भी नहीं मिल जाएगा, यदि उसने नहीं दिया तो हम कहीं से भी छीन कर नहीं ला सकते हैं, कहीं से भी नहीं। यहाँ तक कि हमारे शरीर का हर एक अंग भी परमेश्वर का वरदान है। आँखों की नज़र कम होती है, रोशनी कम होना शुरू होता है, बताओ हम क्या कर सकते हैं? आँखों की रोशनी कम हो रही है, हम क्या कर सकते हैं? हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं? आप उसको कलर लगा के काला तो बना सकते हैं, 15 दिन के बाद ये कलर उड़ जाएगा, दोबारा लगाना पड़ता है। आपके दांत गिर जाएंगे, क्या कर सकते हैं? पैर फिसल कर कहीं गिर जाओगे, कमर की हड्डी टूट जाएगी, क्या कर सकते हैं? हम खुद के शरीर के भी मालिक नहीं है और खुद का शरीर भी हम जैसा चाहे वैसा रिपेयर नहीं कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं कई बार लोगों को बताती हूँ, जैसे हो वैसे ही पेश हो जाओ, मेकअप करके अपना डुप्लीकेट रूप मत बनाओ। परमेश्वर ने जैसा आपको बनाया है ना, उसी तरीके से पेश हो जाओ, क्योंकि आप मेकअप करके अपने आप को सजा सकते हैं, अपना असली रूप बदल के दूसरा रूप लोगों के सामने दिखा सकते हैं, पर परमेश्वर दिल को परखने वाला परमेश्वर है। यह आपका मेकअप एक दिन उतर जाएगा, आपका असली रूप सामने आ जाएगा। परमेश्वर ने आदि मानव को कहा था, मैंने तुझे मिट्टी से बनाया है, तू फिर एक बार मिट्टी में जाएगा। कितना भी मेकअप किया तो भी बूढ़े हो ही जाएंगे और एक दिन मिट्टी बन जाओगे, क्योंकि आदि मानव को परमेश्वर ने कहा था। तब से लेकर आज के दिन तक परमेश्वर के शब्द को बदलने की ताकत दुनिया में किसी के भी पास नहीं है। लोग कहते हैं बड़ी तरक्की हो गई है, विज्ञान की बड़ी उन्नति हो गई है। ये अच्छी बात है कि विज्ञान की उन्नति हो गई है, पर आप मुझे बताओ कि परमेश्वर के कौन से शब्द को बदलने की ताकत विज्ञान के पास है? कहाँ है ताकत? 6000 साल पहले जब परमेश्वर ने आदि मानव को बताया था कि तू मिट्टी है, मैंने तुझे मिट्टी से बनाया है, जमीन के धूल से बनाया है, तू दोबारा मिट्टी बन जाएगा। गए 6000 साल में विज्ञान की इतनी तरक्की हो गई तो भी परमेश्वर के शब्द को कोई बदल नहीं सका है। इसके विपरीत पहले लोग ज़्यादा जीवन जीते थे, यानी पहला मनुष्य 600 साल से भी अधिक उम्र तक जिया। उसके बाद जिंदगी कम होते गई, कम होते गई, 500 साल, 300 साल, 200 साल। अब बाइबिल पढ़ो, पहला आदि मानव कितने साल जिया है और उसके बाद कैसी जिंदगी कम 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 होते गई। और आज कोई 60 साल भी जीता है तो लोग कहते हैं आपको लंबी उम्र मिल गई। विज्ञान की उन्नति, विज्ञान की तरक्की जरूर हो गई है, पर परमेश्वर के शब्द को आज तक कोई नहीं बदल सका है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा था, आसमान और धरती नष्ट हो जाएंगे पर मेरी बातें कभी नष्ट नहीं हो सकती है।
आसमान का नष्ट होना, धरती का नष्ट होना संभव है, पर मेरी बातों का नष्ट होना संभव नहीं है। प्रभु यीशु 2000 साल पहले जब इंसान के रूप में धरती पर था, उसने जो जो अद्भुत काम करके दिखाई, आज भी विज्ञान की उन्नति से वो अद्भुत काम नहीं हो रहे हैं। उसने अंधे की आँख को छुआ और अंधे की आँख खुल गई। क्या आज ऐसा कोई इंजेक्शन निकला है जिसको लेने के बाद जन्म का अंधा देख सकता है? जो प्रभु ने किया 2000 साल पहले, लोग कहते उस जमाने में विज्ञान की तरक्की नहीं हुई थी, लोग बहुत ऐसे ही अनपढ़ थे, इसीलिए प्रभु ने चमत्कार दिखाए। अच्छी बात है, पर तब जो प्रभु ने चमत्कार दिखाए आज क्यों नहीं हो रहे हैं? विज्ञान की उन्नति से, तरक्की से आज ऐसे अद्भुत काम क्यों नहीं हो रहे हैं? परमेश्वर दिखाना चाहता है कि तुम्हारा सच्चा सहारा बस मैं हूँ। वो हमारा सच्चा सहारा है। उसने दिया तो मिल जाएगा, उसने नहीं दिया तो नहीं मिलेगा। उसने संभाला तो हम बच जाएंगे, उसने नहीं संभाला और उसने नहीं बचाया तो हमें कोई भी बचा नहीं सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के पास आकर हमें जैसे परमेश्वर को पहचानना है, वैसे खुद को भी पहचानना है। आखिर हम है कौन? दुनिया में लोग कितने अहंकारी होते हैं। हर एक को लगता है कि मैं एक बड़ा व्यक्ति हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। हर किसी को लगता है मैं एक भारी व्यक्ति हूँ, मैं एक बड़ा व्यक्ति हूँ, मैं एक स्पेशल व्यक्ति हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा दुनिया में हर एक को लगता है। जब हम परमेश्वर के सामने आते हैं, उसकी शरण लेते हैं, तब जान जाते हैं हम कुछ भी नहीं है। उसके सिवाय हम कुछ भी नहीं है। उसने बचाया नहीं तो बच नहीं सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ, एक बेटा जब बीमार होता है, माँ बाप रात भर उसके पास बैठे रहते हैं, उसकी सेवा करते हैं, पर उसकी बीमारी को थोड़ा सा भी निकाल नहीं सकते हैं, थोड़ा भी नहीं। बच्चा रात भर तड़प रहा है, रो रहा है, माँ बाप उसके पास बैठे रहते हैं, उसको जो भी चाहिए देने की कोशिश करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, और माँ बाप भी रोते हैं क्योंकि बच्चे का दर्द उसको उनको देखा नहीं जाता है। पर बच्चे का दर्द थोड़ा भी वे कम नहीं कर सकते हैं। रात भर उसके बाजू में बैठकर रोते रहेंगे, दर्द को कम नहीं कर सकते हैं। वो कब कम हो जाएगा? जब वो जीवन देने वाला परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर उसको छुएगा। जब परमेश्वर का हाथ उसको लगेगा, एक पल में उसकी सारी वेदना और सारा दर्द खत्म हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है अभिमानी मत बन जाओ, अहंकारी मत बन जाओ, धन के ऊपर, संपत्ति के ऊपर और दुनिया की नाशमान बातों के ऊपर भरोसा मत करो। परमेश्वर पर भरोसा करो, उस पर आशा रखो, क्योंकि वो ही है जो हमें सब कुछ बहुतायत से देता है। वो देता है तभी तो हमें मिल जाता है, उसने नहीं दिया तो हमें नहीं मिल सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत साल पहले एक बहन ने गवाही दी थी कि वो इतनी गरीब थी, इतनी गरीब कि उसके घर में बैठने के लिए एक सादी साधारण कुर्सी तक नहीं थी। घर में कोई फर्नीचर नहीं था, कुछ भी नहीं था। कितने साल गरीबी में रही। जब उसको प्रार्थना केंद्र की जानकारी मिली, वो प्रार्थना में आने लगी, परमेश्वर का अनुग्रह हो गया, उसकी परिस्थिति बदलते गई, बदलते गई, बदलते गई। और उसने गवाही जब दी प्रभु के पास आने के बाद, मुझे लगता है 10 या 11 महीने के बाद उसने गवाही दी। गवाही में उसने ऐसा कहा, प्रभु के पास आने के पहले मेरे घर में बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं थी, बाकी तो कुछ फर्नीचर नहीं था पर एक साधारण कुर्सी भी नहीं थी, पर आज मेरे पास इतना है
प्रभु ने इतना आशीषित किया है कि मेरे घर में टीवी भी है, फ्रिज भी है, सोने के लिए बेड भी है, सोफा भी है, मेरे घर में सारा फर्नीचर इतना बहुतायत से दिया है। ये 10 महीने के अंदर प्रभु ने मुझे बहुतायत से आशीषित किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक बहन ने गवाही दी थी, वो कहती है मैं अपने गांव उत्तर प्रदेश में रहती थी, इतनी गरीब थी, इतनी गरीब कि फटी हुई साड़ी पहनती थी, 2 साड़ी मेरे पास थी, सालों साल उसी का इस्तेमाल करती थी और वो भी फटी हुई थी। वो उस बहन ने ऐसा कहा कि मेरे बचपन में ही मेरी माँ मर गई, सौतेली माँ ने मुझे संभाला और मेरा पूरा बचपन ऐसा ही दुख में गया। शादी के बाद भी मेरी ऐसी हालत थी कि मैं इतनी गरीबी में जी रही थी। मेरे पति इधर बंबई में नौकरी के लिए आए थे, मैं गांव में अकेली रहती थी, फटी हुई साड़ी पहनती थी और मैं हर बार रोती थी, हर बार, और परमेश्वर को बोलती थी तू है कहाँ पर, मेरा पूरा जीवन गरीबी में है। आज भी शादी के बाद भी मुझे ऐसा लगा था कि शादी के बाद तो मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा, पर अभी भी मेरी ऐसी हालत है कि मेरे पास 2 फटी साड़ी है। मैं एक दिन एक साड़ी को पहनती हूँ, दूसरे दिन दूसरे साड़ी को पहनती हूँ। दिन बीतते गए, ये बहन रोते रही, परमेश्वर को अपना दर्द बताते रही। उसको उस समय जीवित परमेश्वर की पहचान नहीं थी, तो भी उसकी पुकार को परमेश्वर सुन रहा था। उसके पति को किसी ने प्रार्थना केंद्र के बारे में कहा जो कि बंबई में रहा करते थे, वो प्रार्थना में आने लगे। उसके बाद उनकी हालत बदलते गई, उसने अपनी औरत को यहाँ की प्रभु की तस्वीर भेज दी और ये बहन कहती है मैं प्रभु की तस्वीर हमेशा अपने सीने को लगाकर रोती थी और प्रभु को कहती थी प्रभु मेरी ज़िंदगी कब बदलेगा, मैं हर दिन फटी साड़ी पहनती हूँ, मेरी ज़िंदगी कब बदल जाएगी। उसके बाद पति ने उसको बंबई में बुलाया, क्योंकि पहले उसकी भी हालत ऐसी थी कि ठीक से मकान नहीं था तो औरत को कैसा बुलाए। बाद में उसने किराए का मकान लिया, औरत को भी यहाँ बुलाया, दोनों पति पत्नी प्रार्थना में आने लगे। जब वो बहन गवाही देने के लिए आई थी, उसने रोते हुए कहा प्रभु ने मेरे ज़िंदगी को इतना बदला है कि जहाँ मैं फटी साड़ी पहनती थी वहाँ भी मेरे पास एक पूरा बक्सा साड़ी से भरा हुआ है। इतने सालों के बाद मेरे जीवन में खुशी आ गई है कि जो मेरे पास कुछ भी नहीं था प्रभु ने मुझे बहुतायत से दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। हर मनुष्य को ये समझना ज़रूरी है कि मुझे सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। पर बुरी बात ऐसी है, कभी कभी ऐसा होता है हम बड़े नम्र होकर परमेश्वर की शरण लेते हैं, हमें सब कुछ मिल जाता है और मिलने के बाद हमें लगता है कि ये हमें अपने आप मिल गया, अपने आप। जैसे कि एक भाई ने मुझे कुछ दिन पहले कहा कि उसकी बहन की शादी नज़दीक आ गई थी और शादी के कुछ ही दिन पहले अचानक उसका पूरा चेहरा फोड़ों से भर गया और ऐसी भयानक चमड़ी की बीमारी हो गई कि घर के सारे लोग परेशान हो गए। अभी 1 सप्ताह या 15 दिन के अंदर शादी होने जा रही है और सारा की सारा चेहरा खराब हो गया है, घर के लोग डर गए, उनकी बहन रोने लगी, क्या करेंगे, यहाँ वहाँ भाग दौड़ करने लगी, यहाँ जाके इलाज कराओ, वहाँ जाके इलाज कराओ, किसी ब्यूटी पार्लर के पास गए, यहाँ वहाँ बहुत जगह पे दिखाया, कुछ नहीं हो रहा था। उनकी बहन विश्वास नहीं कर रही थी, घर के कोई लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, ये भाई और उनकी औरत प्रभु में विश्वास करते हैं। ये भाई ने अपनी बहन को कहा इतना सब कुछ किया कुछ नहीं हो रहा है तो क्या प्रार्थना के तेल का एक बार इस्तेमाल करके देखेगी, इतना इलाज किया, इतने ब्यूटी पार्लर में जाकर आई, कुछ नहीं हो रहा है तो बस ये प्रार्थना के तेल का इस्तेमाल करके एक बार देखोगी क्या। उसने कहा कि मैंने इतना सब कुछ किया है, भला इससे अब क्या होने जा रहा है, तो भी यदि आपकी इच्छा है तो लगा लेना। ये भाई ने कहा मैंने तेल को हाथ में पकड़ा, 1-2-3 मिनट के लिए प्रार्थना की और तेल उसके चेहरे के ऊपर लगाया। रात के समय सुबह उठी, पूरा चेहरा साफ हो गया था। पूरा चेहरा साफ हो गया था,
आपने प्रभु की महिमा के लिए तालियां बजाई, बहुत अच्छी बात है, पर आगे जाकर मनुष्य की दुष्टता है। तो भी उसने और उसके घर के लोगों ने विश्वास नहीं किया। वो कहते, हमने वो ब्यूटी पार्लर से कुछ तो पाउडर लाया था ना, वो लगा के रखा था, शायद उसकी वजह से चेहरा साफ हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने सारे लोग ऐसे ही बर्ताव करते हैं, जब दुर्बल हालत में होते हैं परमेश्वर को कहते, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। जब परमेश्वर उनके ऊपर अनुग्रह करता है, दया करता है, उनके जीवन को आशीषों से भर देता है, तब वे अहंकारी बनकर ये बोलते हैं कि ये तो सब कुछ मेरे नसीब में था, वो मुझे मिल गया, मुझे परमेश्वर ने क्या दे दिया, मुझे तो ये मिलने जा रहा था। कितने सारे लोग आशीष मिलने के बाद भी आकर गवाही भी देते हैं, उन्हें ये मंजूर है कि इनको परमेश्वर ने आशीषित किया है, पर कुछ समय के बाद भूल जाते हैं और दोबारा अहंकारी बनते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत साल पहले एक भाई केंद्र में निवासी शिविर करने के लिए आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं 10 महीना पहले यहाँ आया था निवासी शिविर करने के लिए, अभी मैं दूसरी बार आया हूँ। जब मैं पहली बार आया था 10 महीना पहले, तब मेरी हालत ऐसी थी कि मैं 3 से 3.5 साल तक घर पे बैठा हुआ था, मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। मैंने बहुत कोशिश की थी पर कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। किसी के कहने पे मैं यहाँ आया था, मैंने शिविर में भाग लिया और जिस सप्ताह में मैंने शिविर में भाग लिया उसी सप्ताह में प्रभु का अनुग्रह हो गया और दूसरे ही सप्ताह में मुझे एक बड़ी स्कूल में अच्छी नौकरी मिल गई। मैं काम पे जाने लगा, अच्छी तनख्वाह थी, बड़ी स्कूल थी और मैं अच्छे से काम पे जा रहा था, नौकरी चल रही थी। उसके बाद दोबारा मैं यहाँ कभी प्रार्थना में नहीं आया। 10 महीना तक मेरी नौकरी अच्छी चली और अभी मेरे प्रिंसिपल ने मुझे गए सप्ताह बुलाकर कहा कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, इसके लिए हम आपको अगले महीने से काम पर से निकालने जा रहे हैं। तभी इसको याद आ गई, ये नौकरी मुझे मिली कैसी थी। 10 महीना पहले मैं प्रार्थना केंद्र में गया था, वहाँ निवासी शिविर में भाग लिया था, उसके बाद मुझे नौकरी मिली थी, पर उसके बाद मैं दोबारा वहाँ प्रार्थना में गया नहीं। अभी मैं दोबारा जाना चाहता हूँ। और जब दूसरी बार आकर उन्होंने शिविर किया, तभी शिविर में गवाही दी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें सब कुछ देने वाला परमेश्वर है। अहंकारी मत बन जाओ। आपके पास जो भी है, जो भी आपका धन हो, पैसा हो, सोना चांदी हो, आपकी पढ़ाई हो, आपकी सुंदरता हो, आपके शरीर की ताकत हो, आपकी जमीन जायदाद हो, आपकी गाड़ी बंगला हो, जो भी है, किसी के ऊपर अभिमानी मत बन जाओ, क्योंकि हमें सब कुछ देने वाला वो महान परमेश्वर है। उस पर विश्वास करना चाहिए, उसका हाथ पकड़कर चलते रहना चाहिए और उसकी इच्छा को हर दिन पूरा करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम गरीब रहे, परमेश्वर नहीं चाहता है हम आंसू बहाते रहे, परमेश्वर नहीं चाहता है कि हमारे दिल में दुख रहे, जीवन में दुख रहे, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। वो हमें अच्छा करना चाहता है, हमारे परेशानी को निकालना चाहता है, हमारे दुख और दर्द को निकालना चाहता है, वो हमारे जीवन को आशीषों से भर देना चाहता है। पर ये सब होने के बाद हमें उस महान परमेश्वर को भूलना नहीं है, क्योंकि देने वाला वो है। यदि उसने दिया तो मिल जाएगा, उसने बचाया तो हम बच जाएंगे, वरना हम अपने आप में कुछ भी नहीं है, ना हम अपने आप को संभाल सकते हैं, ना अपने आप को बचा सकते हैं, ना अपने आप के जीवन में हम कोई भी बदलाव कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जैसा कि एक शराबी भी हर दिन चाहता है कल से मैं शराब नहीं पीऊंगा, हर दिन चाहता है कि कल से मुझे शराब नहीं पीना है, तो भी अपने आप उनके उनके कदम वहाँ पे जाते ही है और जो चीज़ वो नहीं करना चाहते हैं उसी को कर ही लेते हैं। इतनी भी ताकत हमारे पास नहीं है कि चाहकर भी हम इसको कर सकते हैं।
पर जब वे प्रार्थना में आते हैं या दिल से परमेश्वर के पास मांगते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर हो जाता है और उसके बाद वे उस व्यसन से पूरी तरह से मुक्त होते हैं। चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला, आशीष देने वाला और हमें सब कुछ बहुतायत से देने वाला वो महान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो हमसे प्रेम करता है और इसीलिए वो हमें सब कुछ बहुतायत से देना चाहता है। प्रभु यीशु ने कहा था कि मैं तुम्हें जीवन देने के लिए और वो बहुतायत का देने के लिए आया हूँ। परमेश्वर नहीं चाहता है हमारा विनाश हो जाए, वो नहीं चाहता है कि हम शैतान के हाथ में रहकर दुख उठाए, वो नहीं चाहता है कि हम आंसू बहाते रहे, बीमारी में रहे, परेशानी में रहे। इसलिए तो हम कोढ़ी की घटना में देखते हैं कि जब एक कोढ़ी प्रभु यीशु के पास आ गया और उसने प्रभु से ऐसे कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है। जब कोढ़ी ने कहा यदि तू चाहे तो तू मुझे शुद्ध कर सकता है, तब बाइबिल कहती है प्रभु यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उस कोढ़ी को छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ निकल गया और ये कोढ़ी मनुष्य चंगा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने छूकर कहा, दूर से नहीं कहा, क्योंकि कोढ़ी मनुष्य जिसका पूरा बदन, उसकी चमड़ी सड़ी हुई रहती है, जिसमें से बदबू आती है, कोई उसके पास खड़ा रहना भी पसंद नहीं करता है। प्रभु ने तो उसको छुआ और छूकर कहा, मैं चाहता हूँ, शुद्ध हो जा। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम ठीक हो जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है हमारे जीवन में खुशी रहे। ये परमेश्वर की इच्छा है हम हंसते रहे, हमारे दिल में शांति बनी रहे, हमारे जीवन में आशीषों की बारिश हो जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सब मिट्टी से बनाए गए इंसान हैं। हमारा जीवन पल भर का है, हम आज है, कल के बारे में हम नहीं जानते हैं। यदि परमेश्वर ने जिंदा रखा तो हम जीवित रहेंगे, यदि उसने जिंदा नहीं रखा तो हम एक पल भी अपने जीवन का बढ़ा नहीं सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु ने सवाल किया था कि तुम में ऐसा कौन है जो चिंता करके अपने आयु को बढ़ा सकता है? कौन बढ़ा सकता है? यदि परमेश्वर ने तय किया है कि आज का दिन हमारे जिंदगी का आखिरी दिन है, तो किस में ताकत है कि एक दिन को बढ़ा सकता है? कोई नहीं। जीवन देने वाला परमेश्वर है, चंगाई देने वाला परमेश्वर है, आशीष देने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो हमें आंखों से दिखाई नहीं देता है, वो हर दिन हर पल हमारे ऊपर देखते रहता है, हमारे जीवन के सारे फैसलों को वही लेता है। और इसीलिए हमें उसके ऊपर नज़रअंदाज नहीं करना है, अपने आप में अभिमानी नहीं होना है, अहंकारी नहीं बनना है, बल्कि परमेश्वर के सामने खुद को पूरी तरह से नम्र बनाना है। हालेलुया, हालेलुया। जो अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र बनाता है, उसको परमेश्वर आशीषों से भर देता है। जो अपने कड़क दिल को बदल डालता है और सौम्य बनाता है, नम्र बनाता है, वो परमेश्वर के आशीषों से भर जाता है। परमेश्वर के स्वर्ग दूत हमेशा उसके आसपास रहते हैं, उसकी रक्षा करने के लिए, उसको संभालने के लिए, उसको बचाने के लिए, उसके हर मार्ग में उसको आशीषित करने के लिए। परमेश्वर अपने स्वर्ग दूतों को ऐसे लोगों के आसपास रखता है जो परमेश्वर के सामने नम्र बन चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। सारा अहंकार छोड़ दो, हमें परमेश्वर की ज़रूरत है। ये मैंने किया, वो मैंने किया, ये मैं कर सकता हूँ, वो मैं कर सकता हूँ, ये सारी बातें छोड़ दो, हम कुछ भी नहीं है। यहाँ कितने सारे लोग चंगाई पाते हैं, हम कभी नहीं बोलते हैं कि हमने किसी को ठीक किया। बड़ी बड़ी बीमारी निकल जाती है, हम कभी नहीं बोलते कि हमने ठीक किया। हम प्रार्थना करने का काम करते हैं, चंगाई देने का काम परमेश्वर करता है। मैं यहाँ कितनी भी चिल्लाकर आपके लिए प्रार्थना करूँगी, पर यदि परमेश्वर ने आपको हाथ नहीं लगाया, यदि उसने आपको नहीं छुआ, यदि उसने आपको चंगा नहीं किया, तो मैं क्या कर सकती हूँ?
मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ, मैं हूँ या हमारे टीम के भाई बहन, सेवा करने वाले भाई बहन है, हम आपको चाय दे सकते हैं, नाश्ता खिला सकते हैं, पानी दे सकते हैं, ये सारी सेवा कर सकते हैं, पर आपका एक साधारण सर दर्द है वो भी हम नहीं निकाल सकते हैं। आपके बदन में अभी सुबह से बुखार आया है, उसको भी हम नहीं निकाल सकते हैं। चंगाई देने का काम परमेश्वर करता है, छुटकारा देने का काम परमेश्वर करता है, आशीष देने का काम परमेश्वर करता है। हम आपको उस महान परमेश्वर की पहचान कराते हैं, उस पर विश्वास करने के लिए सिखाते हैं, आशीषों का रास्ता दिखाते हैं। जब आप उस रास्तों के ऊपर से चलते हैं, आपका जीवन आशीषों से भर जाता है, खुशी से भर जाता है, शांति से भर जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस अंत के दिनों में दुनिया में मनुष्य दिन ही दिन अहंकारी बनते जा रहा है, अभिमानी बनते जा रहा है। आप दिल में नम्र हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर को नम्र लोग ज़्यादा पसंद है। अहंकारी अभिमानी लोग परमेश्वर को पसंद नहीं है। मन के नम्र और दीन लोग परमेश्वर पसंद करता है, और उनका जीवन आशीषों से भर देता है। हालेलुया, हालेलुया। और अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रही हूँ। आपके शरीर के जिस भाग पर बीमारी है, पूरे विश्वास के साथ वहाँ पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पे हाथ रखो। पूरा विश्वास करो कि प्रभु यीशु अभी आपको छूकर ठीक करेगा। प्रभु यीशु अभी आपको छूकर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन का सारा दुख प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण निकल जाए। आपके जीवन में काम करने वाली सारी अंधकार की शक्ति प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन से निकल जाए। सारे शैतान के बंधन आपके जीवन से टूट जाए। हर दुष्टात्मा को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूं, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। आपका जीवन परमेश्वर के आशीषों से भर जाए। स्वर्ग की शांति और स्वर्ग की खुशी पवित्र आत्मा आपके दिल में भर दे। आमीन।